सूर्य देव का एक मंत्र है, हो सके तो कल जप लेना। नमः सूर्याय शांताय सर्व रोग विनाशिने। आरोग्य के लिए सूर्य का ध्यान और सूर्य का ये जप असंख्य रोगों को ऐसे भगाता है जैसे सूर्योदय होने से रात्रि के अंधकार और हानिकारक कीटाणु स्वाह हो जाते हैं, ऐसे ही नमः सूर्याय शांताय सर्व रोग विनाशिने। आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम देहि देव नमोस्तुते, ये श्लोक है। शांति प्रदान करने वाले, सर्व रोग नाश करने वाले भगवान सूर्य को नमस्कार है। हे सूर्य देव, हमें आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करें, आपको नमस्कार है। श्लोक बोल सकें तो ठीक है, नहीं तो ये अपनी भाषा में भी मन में बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। शांति प्रदान करने वाले, सर्व रोग नाश करने वाले भगवान सूर्य को नमस्कार है। शांति प्रदाता और रोग निवारक सूर्यदेव को नमस्कार है। हे सूर्यदेव, हमें आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करें, आपको नमस्कार है। सादी भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं। ऋग्वेद में आता है, हे हितकारी तेज वाले सूर्य। वेद सभी धर्म ग्रंथों में आदि है और वेद किसी व्यक्ति, किसी पीर पैगंबर की वाणी नहीं है। श्री कृष्ण ने वेद नहीं बनाए, श्री राम जी ने वेद नहीं बनाए, अपितु वेद विद्या के बल से श्री कृष्ण और श्री राम जी अवतरित हुए। श्री कृष्ण और श्री राम से वेदों की सिद्धि नहीं होती, वेदों से राम और कृष्ण के प्रागट्य की व्यवस्था जमी है। ऋग्वेद 1:50-11 कुद्यानंद्य मित्रमह अरोहनुंतराम दिवम हृदय रोगम मम सूर्य हरिमानम च नाशय। हे हितकारी तेज वाले सूर्य, आप आज उदित होते तथा ऊंचे आकाश में जाते समय मेरे हृदय रोग तथा पांडु रोग को नष्ट कीजिए। पीलिया लिवर का एलोपैथी इलाज है नहीं, लेकिन सूर्य के किरणों में बैठकर ये प्रार्थना करें और आंखें बंद करके सूर्य देव का ध्यान करें नाभि में, पीलिया ठीक हो सकता है, हृदय की दुर्बलता ठीक हो सकती है। हे हितकारी तेज वाले सूर्य, आप आज उदित होते तथा ऊंचे आकाश में जाते समय मेरे हृदय रोग तथा पांडु रोग को नष्ट करें। इसका मतलब है ऊंचे आकाश में जाते समय तो प्रभात को करना है, सूर्योदय के समय करना है। ग्रीक यूनानी लोक सूर्य पूजा चिकित्सा ये वैदिक ज्ञान के आधार पर ही तो विकसित किए थे। पाश्चात्य चिकित्सक कई डॉक्टर सूर्य चिकित्सा से अभी भी लाभ लेने के लिए तत्पर हुए हैं। चीन के प्रार्थना विजानी नाम के सूर्य आधार पर, सूर्य को आधार मानकर खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धर्म विस्तार करते हैं।
ग्रीक और रोमन के विद्वान भी रविवार को सूर्य पूजा करते हैं। रविवार सूर्य उपासना के लिए स्कूल कॉलेजों में छुट्टी परंपरा का था, लेकिन आज उसका विकृत रूप हो गया। सिनेमाघरों में जाना, इधर भटकना उधर भटकना, अभी डॉक्टर मानने लग गए कि कैंसर के रोग नासूर बगंदर सूर्य किरणों से दूर किया जाता है। डॉक्टर एलियर ऑपरेशन के सिवाय इलाज न हो सके ऐसे रोगियों पर सूर्य किरणों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज में सफल हुए। डॉक्टर हरिनीच टीबी के रोगियों को भी सूर्य चिकित्सा से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है और आराम मिल जाता है, ये अपने अनुभव में लिखते हैं। सुप्रसिद्ध दार्शनिक योची, जब तक सूर्य विद्यमान धरती पर दिखता है, फिर लोग व्यर्थ ही दवाओं में पैसे खर्चते हैं। सूर्य के किरण विद्यमान है, सूर्य देव विद्यमान है धरती पर, दिखते हैं तो फिर और दवाइयों के पीछे समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, जहरीली दवाओं से अपना आयुष्य बर्बाद करते हैं। क्या सूर्य में सब रोग मिटाने की शक्ति नहीं है क्या? काय को दवाइयों के पीछे भटकते हैं। सुप्रसिद्ध दार्शनिक योची लिखते हैं, शक्ति सौंदर्य स्वास्थ्य के केंद्र सूर्य है, सूर्य का स्नान कल जरूर करना। सूर्य को जलधारा देते समय हाथ ऊपर उठाकर जलधारा देते तो जल की धारा के बीच से जो किरण आते हैं वो भ्रूमध्य को लगे, नेत्रों को लगे, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, मानसिक रोग समाप्त होते, शारीरिक रोग भी समाप्त होते। वैसे करके सूर्य को जल देते हैं तो सूर्य के किरण उस जल धारा के द्वारा आपके आंखों पर, आपके आज्ञा चक्र पर लगते हैं, बड़ा फायदा करते हैं। कल का दिन तो विशेष सूर्य देवता का ध्यान, सूर्य देवता को अर्घ देना, सूर्य देवता को ध्यान का ध्यान करना और सूर्य किरणों में स्नान करना। कल का दिन तो भूलना मत। प्रतिदिन करना है और ये माघ मास में सुबह का जल्दी स्नान अपने आप में आयु आरोग्य और पुष्टि को संजोए हुए है।